नक्सलियों ने फिर फेंके धमकी भरे पर्चे, सेल्समैन को दी चेतावनी, कहा ग्रामीणों को ठीक से नहीं मिल रहा राशन। दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, खेत में पानी चलाने की बात को लेकर हुआ विवाद, 3 घायल 1 गंभीर। और सड़क पर खड़े हो रहे वाहन, पार्किंग की नहीं है सुविधा, आवागमन में लोग हो रहे परेशान। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी में 2 ग्रामीणों की हत्या कर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को पर्चे में धमकी देने के ठीक 7 दिन बाद नक्सलियों ने एक बार फिर पर्चे फेंके हैं, जहां इस बार पर्चे में नक्सलियों ने बिठली, नगुड्डा और दुल्हापुर में ग्रामीणों को राशन वितरण करने वाले सेल्समैन दिलीप सिंह भुरिया को धमकी दी है। ये पर्चे मलाजखंड एरिया कमेटी द्वारा फेंका गया है, जिसमें नक्सलियों ने कहा है कि वह बहाने बनाकर और अलग अलग कारणों का हवाला देकर ग्रामीणों को राशन नहीं दे रहा। जनता के हक का राशन जनता को मिलना चाहिए, उसमें ठगी या धोखाधड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। परसवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम भीकेवाड़ा के लोहारीटोला में खेतों में पानी चलाने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। घटना में घायल 3 व्यक्तियों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट होने से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। घायल घटना शुक्रवार की सुबह 9 बजे की है, जब लोटमारा निवासी छबीलाल राहंगडाले द्वारा खेतों में पानी चलाए जाने के कारण जितेंद्र पटले के खेतों में पानी भर गया और उसका कहना था कि उनके खेतों में रखे धान की फसल को नुकसान हो गया, जिसके कारण दोनों पक्षों में विवाद हो गया। शहर के मेन रोड सहित मुख्य बाजारों में वाहनों के पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण लोग सड़क पर ही वाहन खड़ा करते हैं, जिससे आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वाहन सड़क पर खड़े रहने से दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। कई बार वाहन पार्किंग को लेकर योजना बनाई गई, लेकिन इसे अमली जामा नहीं बनाया गया। मेन रोड गुजरी बाजार में दुकानों के सामने सड़क पर ही दुकानदार और ग्राहकों द्वारा वाहन खड़ा कर दिया जाता है, जिससे चौपहिया वाहन के गुजरने पर कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को कोसमी चौक से किसान सम्मान बाइक रैली निकाली जाएगी। इस संबंध में शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में संयुक्त मोर्चा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में करीब 14 माह से देश के किसानों ने आंदोलन किया, जिसके बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद हुए, जिन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने और किसानों की इस जीत को लेकर आंदोलन में डटे रहे किसानों के सम्मान में बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें जिले के सभी किसान भाइयों से शामिल होने का आह्वान किया गया है। विगत 1 साल से जो हमारे संपूर्ण भारत देश के किसान जो 3 कृषि कानून काले कानून मध्य केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए थे, उसको निरस्त करने की मांग को लेकर लगभग 1 साल से धरने पे बैठे थे, जिसमें हमारे भारत देश के लगभग 700 किसानों की जान भी जा चुकी। इस ऐतिहासिक जो कल घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, उससे एक चीज़ बहुत अच्छी क्लियर होती है कि जब भी इस तरीके से कोई भी सरकार तानाशाही रवैया आम जनता के खिलाफ लाती है तो उसमें सतत रूप से संघर्ष करे, आंदोलन करे, सड़क पर उतर के आंदोलन करे, तो निश्चित रूप से भारत देश की ऐसी कोई भी सरकार हो उस निर्णय को वापस लेने को मजबूर होती है। देश के किसान भाई लोग तीनों कृषि काले कानून, एमएसपी, जो उनके बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं उस पर लेकर आंदोलन थे, जिसमें 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि काले कानून वापस लेने का घोषणा की है, लेकिन हम किसान भाइयों से के साथ खड़े और हमारी भी यहाँ से ये मांग है कि कृषि कानून जो काले कानून वापस किए हैं वो पूरे संसद से पास होने के बाद ही किसान भाई आंदोलन वापस ले, और एमएसपी जब तक के लागू नहीं होती, सरकारी समर्थन लागू नहीं होता, तब तक के आंदोलन होते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो 3 काले कृषि कानून को जो कल वापस लिया गया है, तो जो हमारे किसान भाई 1 साल से जो सभी बॉर्डरों पे बैठे थे और जो 700 किसानों के मरने के बाद जो इस काले कानून को वापस लिया गया, तो कल हम जो किसान भाई 1 साल जो बैठे थे उनके सम्मान में हम लोग एक कोसमी से तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे, क्योंकि हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके पहले भी 26 जनवरी को विरोध में बाइक ये ट्रैक्टर रैली निकाला था और सभी किसानों का और सभी का अच्छा समर्थन मिला था, और उसी विरोध को देखते हुए जो किसान अगर 1 साल से बैठे हैं तो उनका हम सम्मान करना चाहते हैं। बिरसा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत धुंधुन वारधा का डोडरा टोला गांव एक ऐसा गांव है जहां के आदिवासी बुजुर्ग ग्रामीण आज भी आदि मानव की तरह दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग सुलगाते हैं और अपनी चिलम जलाते हैं। पीने के पानी के लिए झिरिया के पानी से प्यास बुझाते हैं। 150 की आबादी वाला ये गांव हालांकि राजस्व ग्राम है लेकिन अति नक्सल प्रभावित भी है, जिस कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया है। दरअसल इस गाँव में भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में कल वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती हर्षोल्लासपूर्ण मनाई गई। साथ ही इस अवसर पर उनकी याद में नमो उपवन में पीपल का पौधा रोपित किया गया। साथ ही गुलामी के उस दौर में भारत में नई चेतना जगाने वाले गुरू नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी मनाया गया और गुरू नानक देव की 552वीं जयंती पर नमन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस है और अभी बालाघाट में हम लोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से अभी सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग एवं हमारी महिला मोर्चे की सभी बहनों ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई को माल्यार्पण किया है और उनको याद किया है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई एक महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुए हैं और भाजपा के सभी कार्यकर्ता भी हैं। हमने यहाँ नमो उपवन में एकत्रित होकर वृक्षारोपण किया है। इसके पहले हमने भाजपा कार्यालय में एकत्रित होकर उनकी प्रतिमा पे, उनकी फोटो पे माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।